आमिर खान की दंगल में बबीता कुमारी फोगाट के बचपन के किरदार के लिए मशहूर सुहानी भटनागर का शुक्रवार 16 फरवरी को 19 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया। सुहानी कथित तौर पर डर्मेटोमायोसिटिस से जूझ रही थी और बेहद कम इम्यूनिटी होने के कारण उनकी मौत हो गई। सुहानी ने दंगल के बाद एक भी फिल्म साइन नहीं की थी और लोग ये जानना चाहते थे कि उनका एक्टिंग करियर दंगल तक ही सीमित क्यों रह गया। इसके बाद सुहानी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने दंगल के बाद कोई भी फिल्म क्यों नहीं की। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने दंगल की सफलता के बाद किसी भी फिल्म को साइन ना करने के अपने फैसले के बारे में बताया और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लीड रोल निभाने की इच्छा व्यक्त की। लगभग 2 साल पहले टीवी इंडिया लाइव के साथ एक इंटरव्यू में सुहानी भटनागर से पूछा गया था कि दंगल की सफलता के बाद उन्होंने और फिल्में साइन करने के मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि फिल्मों के साथ साथ उन्होंने शूट, फैशन शो और प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और वो उस समय सक्रिय रूप से फिल्मी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी। सुहानी ने अपनी बेसिक स्टडीज पूरी करने के बाद फिल्मों में रोल निभाने की अपनी आकांक्षा पर जोर देते हुए कहा, मैं लीड रोल निभाना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी पढ़ाई के दौरान कोई मौका आएगा तो वो उस पर विचार करेंगी, लेकिन फिलहाल उनकी प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई थी। फिलहाल दंगल गर्ल को भी हम भावनापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।